फिगर्स हैं आज से लेकर 1 तारीख तक के लिए। आज एक तो अभी अभी आपने बताया दोपहर 3 बजे कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर रहेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री एचपीसीएल की 850 करोड़ की वीवीएस पाइपलाइन की समीक्षा करने वाले हैं, इस पर भी नजर रहेगी। निफ्टी 50, निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक और सीपीएसई इंडेक्स की क्वार्टरली रीबैलेंसिंग जो है वो आज बाजार बंद होने के बाद होगी। एजीएम्स कुछ कंपनियों के होने जा रही है, वोडाफोन आइडिया, कंटेनर कॉर्प, इंजीनियर्स इंडिया, एनएचपीसी, जी लर्न, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज और रेलिगेयर एंटरप्राइजेस, इन पर नजर होगी। 3 से 4 बजे के बीच इन तमाम कंपनियों की एजीएम्स होंगी। कल 30 सितंबर सितंबर वायदा सीरीज की एक्सपायरी होगी। सीएल एजुकेट शेयर विभाजन की एक्सडेट होगी कल। वहीं हिंदुस्तान एवरेस्ट टूल शेयर स्प्लिट पर एक बोर्ड बैठक करेंगे। यूनाइटेड स्पिरिट्स और पायनियर डिस्टिलरीज पर नजर रखनी होगी। शेयर होल्डर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बैठक होने जा रही है। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के अप्रूवल के लिए बोर्ड बैठक होती हुई दिखेगी। इसके अलावा शाम 4:30 बजे कॉमर्स मिनिस्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम की समय सीमा बढ़ाने का ऐलान कर सकते, तो इस पर भी नजर होगी। विनिवेश पर कोर ग्रुप की एक बैठक होने जा रही है। अमेरिका में दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े कल आएंगे। एजीएम कल आईआरबी इंफ्रा की होते हुए दिखेगी। इसके अलावा 1 अक्टूबर नई सीरीज की शुरूआत होगी और नई सीरीज की शुरूआत के साथ ही अक्टूबर सीरीज से 8 स्टॉक्स वायदा कारोबार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सितंबर ऑटो बिक्री के आंकड़े भी इस दिन आएंगे। वहीं टाटा मोटर्स गाड़ियों की बढ़ी हुई कीमतें लागू होती हुई दिखेंगी। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग होगी 1 अक्टूबर को। प्राइस बैंड जिसका 165 to 175 पर शेयर है। मच अवेटेड आईपीओ जिसकी लिस्टिंग पर फोकस रहेगा। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी आईपीओ बंद हो जाएगा। 695 to 712 इसका प्राइस बैंड है। वहीं टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर पेमेंट में 4 साल का जो मोरेटोरियम है वो 1 अक्टूबर 2021 से लागू होता हुआ शुरू होता हुआ देखने को मिलेगा। कर्नाटक में सिनेमा हॉल पूरी क्षमता के साथ खुलने जा रहे हैं 1 अक्टूबर से, तो मल्टीप्लेक्स शेयरों पर भी इसके चलते फोकस रहेगा। इधर पहले एक्सपोर्टर्स के लिए खबर आई कि एक्सपोर्टर्स के लिए ECGC यानी कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन स्कीम जो है उसका दायरा बढ़ाने पर फैसला कर सकता है कैबिनेट। और एक्सपोर्टर्स के इंश्योरेंस का दायरा जो है वो बढ़ाया जा सकता है। छोटे और मझोले एक्सपोर्टर्स को इसका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तो एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टॉक्स जो है उनके ऊपर थोड़ा ध्यान रखेगा। BLS इंटरनेशनल रूस से वीजा प्रोसेसिंग सर्विसेज के लिए इस कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट जीता है। ब्लू स्टार सब्सिडरी ने श्री सिटी में प्लांट कंस्ट्रक्शन शुरू जो है वो कर दिया है। अगले 5 साल में करीब 550 करोड़ के आसपास की निवेश की योजना है इस कंपनी की। HCL टेक प्रॉक्सिमस के साथ इसने एक स्ट्रैटेजिक करार का ऐलान किया है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये स्ट्रैटेजिक करार किया गया है। TCS स्वीडन की कंपनी एपोटेक से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है। वहीं साइन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में कंपनी ने भी अपना सुधार किया है, ये कंपनी ने एक अपडेट दिया है। स्पाइसजेट इजी ट्रिप प्लानर के साथ इस कंपनी ने करार किया है। हॉलीडे बुकिंग के लिए करार किया गया है। इसके अलावा इजी ट्रिप प्लानर की तरफ से भी एक अपडेट आया है कि जिन कस्टमर्स की ट्रेन में अगर वेटिंग लिस्ट है किसी की और अगर ट्रेन की टिकट कन्फर्म नहीं हुई है तो उनको उसी रूट पर अगर कोई फ्लाइट जाती है तो उस पर डिस्काउंटेड रेट पे फ्लाइट की टिकट मिलेगी और ये डिस्काउंटेड रेट जो है वो करीब 50% तक भी हो सकता है। HDFC बैंक इस कंपनी ने अपडेट दिया है कि मौजूदा क्रेडिट कार्ड की जो पोर्टफोलियो है उसमें सुधार करेंगे। पोर्टफोलियो में सुधार के लिए नए प्रोडक्ट्स जो है वो ये कंपनी जल्दी लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा SBI कार्ड्स की तरफ से अपडेट आया है कि इन्होंने भी फेस्टिवल ऑफर लाया है, माफ कीजिएगा, दमदार 10 नाम से। बेसिकली ऑनलाइन शॉपिंग करने पे 10% के आसपास का कैशबैक मिल सकता है। इस तरह के ऑफर्स जो है वो ये लेके आए हैं। डोमेस्टिक ई कॉमर्स साइट पे ये ऑफर्स आपको मिलेंगे। HDFC AMC में जैसे कि आपने भी बताया अपने हेडलाइन में कि 5% के आसपास की इक्विटी का सौदा हुआ है। मैक्स हेल्थ पे 8.6 करोड़ शेयर्स का सौदा हुआ है। करूर वैसा बैंक में 2.5 करोड़ के बड़े शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। NHPC में 11 लाख, पावर ग्रिड में करीब करीब 30 लाख शेयर्स के सौदे हुए हैं और NBCC में 0.28 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। तो काफी सारे पावर कंपनीज है जिनमें आज बड़े सौदे भी हुए हैं दिन के दौरान।